तो नॉन एग्रो कमोडिटीज की बात थी, लेकिन अगर एग्रो कमोडिटीज की बात करें तो यहां पर भी अक्रॉस द बोर्ड हमने गिरावट आते हुए देखी है। खाने के तेलों में भी विदेशी बाजारों में गिरावट की वजह से ही घरेलू कारोबार में भी यहां पर सोयाबीन में गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही अगले साल सोयाबीन की रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है और उसी वजह से यहां पर भी मंदी की ही बात है। सोयाबीन पर बात करने के लिए हमारे साथ है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल इंडस्ट्रीज के संदीप बाजोरिया। संदीप जी, शुक्रिया समय निकालने के लिए। चौतरफा यहां पर बिकवाली है। सीपीओ से अगर शुरुआत करें तो दो दिनों में यहां पर करीबन 12% की गिरावट देखने को मिली है। किस तरह से ये ट्रांसलेट होता है भारतीय बाजारों के लिए? नमिषा जी, देखिए, पहले तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कमोडिटी मार्केट को लेके, अभी कल से जो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है फाइनेंशियल मार्केट को लेके हो गया है। तो पहले बॉम्ब ब्लास्ट से इंजर्ड पेशेंट अस्पताल नहीं पहुंचे, उसके पहले दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। इस तरह की हालत फाइनेंशियल मार्केट कमोडिटी मार्केट में हो चुकी है। और जो मेल्टडाउन देख रहे हैं अपन कमोडिटी में कल और आज में, दैट इज ओनली रीजन बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट टर्मोइल। दिस इन्वेस्टमेंट बैंक्स विच आर फॉलोइंग, दे हैव देयर ओन हेज फंड्स और वो अपने हेज फंड बिकवाली कर रहे हैं, अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर रहे हैं। मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके लिए अपन देख रहे हैं स्ट्रीट बॉट में शिकागो मार्केट और मलेशिया मार्केट में करीबन 300 रिंगिट की गिरावट मलेशिया मार्केट में दो दिनों में आ चुकी है। 150 कल आ चुकी है, 150 आ जा चुकी है। उसी तरह से 300 पॉइंट्स की गिरावट स्ट्रीट में शिकागो मार्केट में भी 48% का 45% हो गया है। क्रूड ऑयल भी अपना देखना ही होता है। मतलब आई थिंक वी आर इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। क्या लेवल्स अब आप वॉच करते हैं संदीप जी, कहाँ लगता है अब यहाँ पे आके गिरेगा? अगर आज मैं बेचना चाहूँ तो क्या लेवल्स नीचे में वॉच करने की जरूरत है? देखिए, ऐसा लेवल्स आर अगेन द फंक्शन ऑफ मार्केट कॉन्फिडेंस। द प्रॉब्लम इज मार्केट में कॉन्फिडेंस वाली चीज अभी डिफिकल्ट है जब तक फाइनेंशियल मार्केट स्टेबलाइज नहीं होते हैं, बिकॉज पूरा इंटीग्रेशन एक मार्केट का दूसरे मार्केट से हो चुका है और आई थिंक वही प्रोसेस है। लेकिन हाउएवर माहौल जिस तरह के सामने दिख रहा है, मेरे ख्याल से अभी बाइंग से आदमी को थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा मार्केट में स्टेबलाइजेशन प्रोसेस आए तब बाइंग करनी चाहिए। और जिस आदमी के पास बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशन नहीं है वो थोड़ा बहुत बाइंग अभी कर सकता है। पर आप बिकवाली की सलाह फिलहाल नहीं देंगे? नहीं, ये रेट पर बिकवाली भी कोई सेंसिबल प्रोपोजिशन नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट स्टेबलाइज होते ही थोड़ा बाउंस बैक जरूर करेंगे। सोयाबीन, सीपीओ, आप दोनों में यही बात कहेंगे कि फिलहाल यहाँ पर खरीदारी करने की भी जगह नहीं है और बिकवाली फिलहाल ना करें? या जस्ट रिमेन ऑन साइड वेज इफ यू हैव हैंड ऑफ एट दिस मोमेंट। यही एटीट्यूड अभी चलेगा।